नमस्कार दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा के महत्व के बारे में। कांवड़ यात्रा के बारे में, अभी सावन माह चल रहा है, सावन महीना में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, तो चले जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। कांवड़ यात्रा शिव के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली एक पवित्र यात्रा है, जो मुख्य रूप से सावन महीना में मनाया जाता है। सावन महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान पर जल अर्पित करते हैं और भक्त भगवान शिव पर त्रयोदशी तिथि पर गंगा जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा का उत्तर भारत में विशेष महत्व है। पुरुष, महिला, बच्चे सभी इस यात्रा को बढ़ चढ़कर करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव कांवड़ यात्रा से प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और सभी का संकट दूर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रमुख कांवड़ यात्रा के बारे में। नर्मदा से महाकाल तक, नर्मदा से ओमकारेश्वर तक, गंगा नदी से लेके नीलकंठेश्वर महादेव तक, गंगा से बैजनाथ धाम तक, गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर, गंगा जी से केदारनाथ तक ये की जाती है। कांवड़ ले जाने वाले शिव भक्तों को कांवड़िया या भोले या भोली कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई। तो कहा जाता है समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले तो उसमें विष भी था। इस विष को केवल महादेव ही पी सकते थे। जब महादेव इस हलाहल विष को पान किए तब विष को प्रभाव को दूर करने के लिए सभी देवी देवता पवित्र नदियों का जल शिव पर चढ़ाया गया ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से कम किया जा सके और सभी देवता मिलकर गंगा जल चढ़ाए थे। और तभी भगवान शिव को नीलकंठेश्वर महादेव कहा जाने लगा क्योंकि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। कहा जाता है कि उस समय सावन मास चल रहा था, इसलिए सावन मास में ही कांवड़ यात्रा किया जाता है। और कहा जाता है कि सावन मास में भगवान शिव धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करते समय हर एक पग में एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, सच्चे मन से और सात्विक तरीके से किया जाए तो ये तो हमने जान लिया कि श्रवण मास में कांवड़ क्यों उठाया जाता है, कांवड़ यात्रा क्यों किया जाता है। जानते हैं कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने शुरू की थी। इसका अनेक मान्यताएं हैं। कुछ मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल भरकर यूपी की बागवत के पास स्थित पूरा महादेव शिव मंदिर पर जल अर्पित किए थे और इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। भक्त आज भी पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़ यात्री थे। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है। भगवान राम ने बिहार की सुल्तानगंज में गंगा जल भरकर देवगढ़ में स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उन पर जल चढ़ाए थे, जल अभिषेक किए थे। उस समय भी सावन मास चल रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि पहला कांवड़ यात्री रावण थे। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण शिव का परम भक्त थे। एक और मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कांवड़ में बिठाकर श्रवण कुमार ने उनको तीर्थ यात्रा करवाया था और श्रवण कुमार के माता पिता हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार कांवड़ में हरिद्वार ले गए
और वहाँ पर उन्हें स्नान करवाया था। उस समय उन्होंने गंगा जल लेकर आए थे, तभी से यह कांवड़ यात्रा चालू की है। और कांवड़ यात्रा के समय कुछ नियमों का पालन करना भक्तों को जरूरी होता है, जैसे कि आपको शाकाहारी भोजन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना है, शराब और नशे से दूर रहना है, चमड़े आदि वस्तु से दूर रहना है। सबसे ज़रूरी बात है कि कांवड़ को ज़मीन पर नहीं रखना है और भगवान शिव पर श्रद्धा बनाए रखना है। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा के बारे में हम लोग जाने। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।